मैं स्पेशल कागज लाया हूं। ये देखिए, ये है इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फ्रांस। ओके, अब अच्छी तरह सुनिए, एक सेकेंड प्लीज, अब अच्छी तरह सुनिए। ये प्रधानमंत्री जी जो आज कह रहे हैं कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, सुनिए। एंड दैट द एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वेड टू द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस दैट इन व्यू ऑफ द क्रिटिकल ऑपरेशन नेसेसिटी फॉर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू अक्वायर 36 राफेल जेट्स इन फ्लाई अवे कंडीशन एज क्विकली एज पॉसिबल। बाय द वे वो अभी तक नहीं आए। द टू लीडर्स अग्रीड टू कंक्लूड एन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन टर्म्स दैट वुड बी बेटर देन कन्वेड बाय डसॉल्ट एविएशन एज पार्ट ऑफ अ सेपरेट प्रोसेस अंडर वे। द डिलीवरी वुड बी इन टाइम फ्रेम दैट वुड बी कंपेटेबल विद द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द IAF। अब अच्छी तरह सुनिए। एंड दैट द एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फिगरेशन एज हैड बीन टेस्टेड एंड अप्रूव बाय द इंडियन एयर फोर्स। एंड दैट्स इट। पॉइंट इज, प्रधानमंत्री जी के ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा है कि कॉन्फिगरेशन वही होगा, और आज प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। तो क्या ये व्यक्ति जिसने ये स्टेटमेंट दिया था होलैंड जी के खड़े हो के पास खड़े होके, क्या वो नरेंद्र मोदी नहीं था, क्या वो कोई और था? इसमें तो क्लियर लिखा है कि इट इज गोइंग टू बी द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सो द मैन इज लाइंग। तरुण जेटली जी ने सवाल पूछे और उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नरेंद्र मोदी, ये कि अरुण जेटली जी भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने अरुण जेटली जी के थ्रू नरेंद्र मोदी जी को एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन था कि जरूर सवाल पूछते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा के पूछते हैं, सब साफ हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा राफेल में क्या हुआ। मुझे कोई इतराज नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई इतराज नहीं है, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को इतराज नहीं है। हम सब मांग रहे हैं। अरुण जेटली जी फंस गए हैं क्योंकि परमिशन तो नरेंद्र मोदी जी को देनी है। अरुण जेटली जी पता नहीं पूछा या ना पूछा, शायद वो इतना घबराए कि पूछो भी ना। राफेल बड़ा क्लियर कट केस है। अनिल अंबानी जी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया। अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए कर्ज में हैं। अनिल अंबानी जी ने कंपनी कुछ ही दिन पहले खोली, राफेल कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ही दिन पहले खोली। दूसरी तरफ HAL 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, कोई कर्जा नहीं है, हजारों इंजीनियर हैं जो काम करना चाहते हैं। छोटा सा सवाल है, जो हवाई जहाज 520 करोड़ रुपए का था उसको आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? किसको फायदा पहुंचाने के लिए खरीदा? पूरा देश जानना चाहता है कि अनिल अंबानी जी ने और मोदी जी ने क्या डील की है। अनिल अंबानी जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी पे, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट पे डिफेमेशन सूट लगा दिया है। लगाइए, जितने लगाने लगाइए, मगर डिफेमेशन सूट से सच्चाई नहीं बदलती। ये रफाल जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये क्यों चाहिए था और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कैसे किया इसकी खरीदारी में? एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लोग बैठ सकते हैं, पायलट्स बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स बैठ सकते हैं, और उसको अगर आपने फाइटर के रूप में इस्तेमाल करना है तो आप तब तक कर सकते हो जहां तक आपकी आंख देख सकती है। लेकिन जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है उस पर वेपनरी फिक्स्ड होती है और वो वेपनरी 20 किलोमीटर तक टारगेट को एम कर सकती है, और इसलिए युद्ध में जो इस्तेमाल होता है वो इस लोडेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। कारगिल के बाद हमारी फौज को यह लगा कि इसकी आवश्यकता है, नहीं तो वो लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और आप बंदूक के माध्यम से उनको मार रहे हो।
अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस वेपनरी होती इस तरह की एयरक्राफ्ट में तो और सरल हो सकता था। और हमारे कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके पास ये ताकत है, इसलिए भारत को अपनी शक्ति उनका मुकाबला करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए बढ़ानी थी। 2003 की मंजूरी थी कि यह खरीदारी करनी है वाजपेयी जी के टाइम पे, और 2004 से लेकर 12 तक पहले कंपेटिटिव बिडिंग की यूपीए ने, दो पार्टीज आई जिनको टेक्निकली ठीक माना, फिर प्राइस बिड मंगवाए, रफाल का तय किया, उनकी 2007 की ऑफर थी, और फिर ये खरीदने के बजाय या कुछ खरीदो और कुछ मैन्युफैक्चर करो उसकी बजाय आपने इसको अबैंडन कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या कारण था, कौन सा ईमानदारी का कारण था कि आपने जो इतनी आवश्यकता थी जिस कॉम्बैट एबिलिटी की इंडियन एयरफोर्स को, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस ने यह क्यों किया। उसके बाद इसके कीमत और दाम को लेकर एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि डिफेंस डील में उसके हाथ गंदे हैं, पूरा इतिहास है पुराना, और इसलिए हमें यह मौका मिला दिखाएं कि हम तो भ्रष्ट थे लेकिन बाकी लोग भी ऐसे हो सकते हैं। आपको दाम के बारे में कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं। 2007 का दाम, ये बड़े सरल जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट है कि भाई 500 इतने करोड़ में आना था, आपने 1600 में खरीद लिया। 2007 की ऑफर क्या थी कि बेसिक एयरक्राफ्ट इतने का होगा, उस एयरक्राफ्ट पे एस्केलेशन अगर आपको सप्लाई मिलती है 2017 में तो 10 साल के लिए एस्केलेशन चलेगा, दाम बढ़ता जाएगा, हर साल इतने परसेंट बढ़ेगा। जो फॉरेन करेंसी में, विदेशी मुद्रा में वेरिएशन होता है उसके रेट में, वो उसमें फैक्टर होगा और फिर जाकर उसका दाम बढ़ेगा। और अगर उस बेसिक एयरक्राफ्ट जो केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसको वेपनाइज किया जाएगा तो लोडेड एयरक्राफ्ट की दाम इतनी होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फोर्सेस ने कहा हमें ये चाहिए, तो फ्रांस के साथ पहला अरेंजमेंट हुआ कि हम आपसे 36 जहाज खरीदेंगे फुली लोडेड, लेकिन उसकी दाम और कीमत और टर्म्स 2007 की ऑफर से बेहतर होनी चाहिए, ये लिखित में था। जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2016 में, मेरा प्रश्न यह है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से कि 2007 की ऑफर के साथ तुलना की जाए तो जो केवल एयरक्राफ्ट है 2016 में 9% सस्ता है, क्या ये जानते हैं? और जो लोडेड एयरक्राफ्ट है उसकी सारी टर्म्स ले ली जाए तो वो 20% सस्ता है, क्या उनको ये तथ्य मालूम है? क्या एंटनी साहब ने उनको ये बतलाया या मनमोहन सिंह जी ने यह बतलाया कि जो हमारे पास ऑफर आई थी सरकार में उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस थे, फॉरेन करेंसी वेरिएशन के क्लॉजेस थे, उन सबको फैक्टर कीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि बेसिक प्राइस ले लिया, एस्केलेशन भूल जाओ, करेंसी वेरिएशन भूल जाओ, लोडिंग जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं वेपनाइज करने में उसको भूल जाओ और लोडेड एयरक्राफ्ट को सिंपल एयरक्राफ्ट के साथ तुलना कर दो। तो और इसलिए संसद में हमने बेसिक कॉस्ट बता दी, बेसिक कॉस्ट बता दी। और बेसिक कॉस्ट में आज मेरा यह दावा है और मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या इस बात से वो इनकार कर सकते हैं अगर अपने उस वक्त के अधिकारियों से या मंत्रियों से पूछें कि ये कॉस्ट जो उस पर अग्री किया, बेसिक एयरक्राफ्ट कॉस्ट 9% सस्ती है और लोडेड की कॉस्ट 20% सस्ती है। सच्चाई तो एक तरह से विक्टिम बन गई है उनकी। कभी सरकारें ऐसे नहीं चलती मैडम। 2014 में जब ये समझौता हुआ कि 2007 की तुलना में सस्ते दाम पे खरीदा जाएगा तो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी की कई मीटिंग हुई 14 महीने तक, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी की कई मीटिंग हुई 14 महीने तक। 2016 में जब फाइनलाइज हो गया तो समझौता करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल हुआ। तो क्या ये इनकार कर सकते हैं कि CNC, PNC, CCS यानी प्राइस नेगोशिएशन कमेटी, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तीनों ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई? अब आप झूठ बोल दो कि नहीं 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 हुआ,
अरे फाइलों का रिकॉर्ड दिखलाता है कि हुआ है, ये तो सारी ट्रांजैक्शन सीएजी के सामने जाती हैं, उनको भी देखने का मौका मिलेगा। यूपीए के टाइम पे एक ऑफसेट पॉलिसी बनी, क्योंकि हम बहुत सारा माल विदेशों से खरीदते हैं, तो जिससे खरीदते हैं उसको 30% तक भारतीय सोर्सेस से परचेजेस करने पड़ेंगे, ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी बढ़े। इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट था, मैं इसको गलत ऑब्जेक्ट नहीं मानता हूँ, ये ठीक ऑब्जेक्ट था। जितने भी फॉरेन सप्लायर्स हैं, जिसको हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम कहते हैं, वो जितने का सामान बेचते हैं भारत सरकार को, उतने परचेजेस 30% करते हैं। किससे करें ये उनकी मर्जी है, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। माई वेरी डिटेल्ड स्टेटमेंट एंड इफ यू हैव नॉट सीन इट, आई एम हैप्पी टू हैंड ओवर समथिंग टू यू, यू कैन गो टू माई वेबसाइट एंड सी इट, बट आई जस्ट मेक 3 points ऑन दिस। नंबर वन इज आई हैव पर्सनली रिटन टू श्री राहुल गांधी स्टेटिंग दैट कांग्रेस हैज बीन मिसइन्फॉर्म्ड, मिसडायरेक्टेड एंड मिसलेड ऑन द रफेल डील by malicious vested interests and corporate rivals. Two, I further expressed my personal deep anguish over the continued personal baseless attacks, and I have termed all the allegations as baseless, ill-informed and unfortunate. Number three, I will quote you from the ancient Sanskrit Vedic scripture of the Upanishad, which says Satyameva Jayate, so truth alone will triumph.